राहुल द्रविड़ एक ऐसे स्पोर्ट्समैन जिन्हें निष्पक्ष खेल भावना यानी कि फेयर प्ले स्पिरिट के लिए जाना जाता है। कल जैसे ही कानपुर टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ, टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने एक ऐसा दिल जीत लेने वाला काम किया है जिसकी चर्चा सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट के सभी चाहने वालों के बीच खूब हो रही है। दरअसल मैच खत्म होने के ठीक बाद राहुल द्रविड़ ने ग्रीन पार्क के ग्राउंडमैन यानी कि पिच क्यूरेटर को शाबाशी देते हुए उसे 35,000 रुपए दिए हैं। राहुल द्रविड़ की इस दरियादिली को लोग काफी पसंद कर रहे हैं, हालांकि बहुत से लोग इसकी वजह नहीं जान पा रहे हैं। ऐसे में आज का हमारा ये वीडियो इसी बात पर बेस्ड है कि आखिर राहुल द्रविड़ ने ग्राउंडमैन को 35,000 रुपए क्यों दिए। दुनिया भर में क्रिकेट के मैदान हर जगह अलग अलग होते हैं। ऑस्ट्रेलिया की पिचों पर जहां आपको बाउंस मिलती है, तो वहीं इंग्लैंड के मैदान पर आपको जबरदस्त स्विंग देखने को मिल जाती है। लेकिन भारत में खिलाड़ियों को स्पिन और लो बाउंस का सबसे अधिक सामना करना पड़ता है, इसलिए टेस्ट मैच में 4 से 5 दिन तक खेली जा सकने वाली पिच की डिमांड काफी अधिक रहती है। ऐसे में देखा जाए तो कानपुर की पिच भारत और न्यूजीलैंड दोनों टीमों के लिए एक जैसी रही है। ऐसा कहीं से भी नहीं लगा है कि इस मैदान को स्पिनर्स के लिए तैयार कराया गया है, और यही वजह थी कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच कानपुर में खेला गया टेस्ट मैच आखिरी दिन तक चला है, और इसी के चलते न्यूजीलैंड की टीम मैच को ड्रॉ कराने में कामयाब भी रही है। ऐसे में भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में बनाए गए पिच से काफी खुश नजर आए हैं। मैच खत्म होने के बाद राहुल द्रविड़ ने बीच मैदान में पिच क्यूरेटर शिव कुमार को बुलाया था, और पिच की तारीफ करते हुए राहुल द्रविड़ ने कहा कि मैंने अपने कैरियर में पहली बार ग्रीन पार्क में टेस्ट मैच के लिए इतनी बेहतर विकेट देखी है, और ये एक आइडियल टेस्ट विकेट है जो टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से काफी बेहतर है। दोस्तों, देखा जाए तो अक्सर कानपुर के इस मैदान पर स्पिनर्स का बोलबाला देखा गया है, लेकिन इस बार कानपुर की पिच पर फास्ट बॉलर्स ने कुल 16 विकेट निकाले हैं। कानपुर की पिच पर शानदार तकनीक दिखाने वाले श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, टॉम लाथम और विलियंग जैसे बल्लेबाजों ने रन बनाए, तो वहीं टिम साउदी और काइल जेमिसन जैसे तेज गेंदबाजों ने भारत के टॉप ऑर्डर को परेशान भी किया था। हालांकि कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम के स्पिन फ्रेंडली पिच होने के नाते स्पिनर्स को यहां पर 20 विकेट मिले हैं। दोस्तों, आप राहुल द्रविड़ के इस इनिशिएटिव को कैसे देखते हैं, इसके बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, अगर आप क्रिकेट की दुनिया जुड़ी और भी ताज़ा अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक जरूर करें, और वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाना ना भूलें। क्रिकेट की दुनिया जुड़ी और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल ट्रेंडी चिटचैट को। जय हिंद।